प्रिय मित्रों, मैं आपका दोस्त गणेश अवार्ड आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम टेक की दुनिया में हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ है जानना और ईश्वरीय ज्ञान को दर्शाना है। वेद का अर्थ होता है जानने योग्य। वेद का अर्थ है भजन। वेद सनातन संस्कृति के वे ग्रंथ हैं, जिनमें ज्योतिष, गणित, विज्ञान, धर्म, औषधि, प्रकृति, खगोल शास्त्र आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। वेद हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की रीढ़ है। इनमें अनिष्ट से संबंधित उपाय तथा जो इच्छा हो उसके अनुसार उसे प्राप्त करने के उपाय संग्रहित हैं। लेकिन जिस प्रकार किसी भी कार्य में मेहनत लगती है, उसी प्रकार इन रत्न रूपी वेदों का श्रम पूर्वक अध्ययन करके ही इनमें संकलित ज्ञान के भंडार को मनुष्य प्राप्त कर सकता है। वेद इस जगत के प्रथम धर्मग्रंथ है। इसी के आधार पर दुनिया के अन्य मजहबों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने वेदों के ज्ञान को अपने अपने तरीके से भिन्न भिन्न भाषा में प्रचारित किया। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान की गहरी अवस्था में वेद रूपी ईश्वरीय ज्ञान को जाना। यह ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है, इसीलिए इसे श्रुति कहा गया है। वेद पुरातन ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। इसमें मानव की हर समस्या का समाधान है। वेदों में ब्रह्म अर्थात ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। शतपथ ब्राह्मण के श्लोक के अनुसार अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने तपस्या की और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को प्राप्त किया। प्रथम तीन वेदों को अग्नि, वायु तथा सूर्य से जोड़ा जाता है और संभवतः अथर्वदेव को अंगिरा से उत्पन्न माना जाता है। एक ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी के चारों मुख से वेदों की उत्पत्ति हुई। वेद इस संसार की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वेदों की लगभग 28,000 पांडुलिपियां भारत में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई हैं। इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईस्वी सन पूर्व की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया है। वेद तो एक ही है, लेकिन उसके चार भाग है। वेद के सार और निचोड़ को वेदांत और उसके भी सार को ब्रह्मसूत्र कहते हैं। वेदांत को उपनिषद भी कहते हैं और इन सब का सार है भगवद गीता। वेदों का केंद्र है ब्रह्म और आत्मा। ब्रह्म को ही ईश्वर, परमेश्वर और परमात्मा कहा जाता है। वेद के विभाग चार है, एक ऋग्वेद, दो यजुर्वेद, तीन सामवेद और चार अथर्ववेद है। ऋग स्थिति, यजुर रूपांतरण, साम गतिशील और अथर्व जड़। ऋग को धर्म, यजुः को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्षशास्त्र की रचना हुई। वेदों के उपवेद क्रमशः है ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद। ये क्रमशः चारों वेदों के उपवेद बतलाए गए हैं। वेद हमें ब्रह्मांड के अनोखे, अलौकिक व ब्रह्मांड के अनंत राज बताते हैं, जो साधारण समझ से परे हैं। वेद की पुरातन नीतियां व ज्ञान इस दुनिया को न केवल समझाते हैं, किंतु इसके अलावा वे इस दुनिया को पुनः सुचारू तरीके से चलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। वेदों को अनंत भी कहा गया है। श्रुति भगवती बतलाती है, अनंता वे वेदा, अर्थात जो अनंत है वही वेद है। वेद का अर्थ है ज्ञान और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, वो अनंत होता है, इसलिए वेद भी अनंत है। वेद धर्म का मूल है। वेद सर्वज्ञानमय है। इस जगत, इस जीवन एवं परमपिता परमेश्वर, इन सभी का वास्तविक ज्ञान वेद है। वेद में एक ही ईश्वर की उपासना का विधान है और एक ही धर्म अर्थात मानव धर्म का संदेश है। वेद मनुष्यों को मानवता, समानता, मित्रता, उदारता, प्रेम, परस्पर सौहार्द, अहिंसा, सत्य, संतोष, अस्तेय अर्थात चोरी ना करना, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, आचार विचार व्यवहार में पवित्रता, खान पान में शुद्धता और जीवन में तप त्याग परिश्रम की व्यापकता का उपदेश देता है। दोस्तों, वेदों का ज्ञान अनंत है, जिसे शब्दों में परिभाषित करना काफी मुश्किल है। फिर भी इस वीडियो के माध्यम से हमने घाघर में सागर भरने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आने वाली वीडियो में हम चारों वेदों पर अलग अलग वीडियो बनाकर विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई है और इस वीडियो को हम ईश्वर समर्पित करते हैं। धन्यवाद।